हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है स्क्वायर्स एंड क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो चैप्टर है दो पार्ट में है पूरा। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में और दूसरे में हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। तो पहले हम शुरू करेंगे स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम समझे स्क्वायर का मतलब क्या है। स्क्वायर किसी नंबर का होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम टू ले, टू को अगर टू से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाता है टू स्क्वायर। और इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, टू की पावर टू, यानी जो पावर टू लिखा इसको ही हम कहते हैं स्क्वायर। तो ये कहलाएगा टू का स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी फोर। ठीक है, जैसे एक और नंबर ले ले, थ्री इंटू थ्री, यदि थ्री को थ्री से ही मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है थ्री स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी नाइन। थ्री थ्री जा होता है नाइन। तो इसी तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक है, तो छोटे से छोटे नंबर यानी वन से लेके मैक्सिमम कितने भी बड़े नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और मिलेगी जिसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता क्या है, देखिए जैसे ये जो फोर ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है। वैसे ही नाइन एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये थ्री का स्क्वायर है। ठीक है, तो फोर और नाइन के बीच में और भी तो बहुत सारे नंबर है ना, फोर के बाद आता है फाइव सिक्स सेवन एट। तो ये वाले जो इतने सारे नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है। ठीक है, टू का स्क्वायर हो गया फोर, थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, और इसके बीच की जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि फिर इसके बीच में डेसिमल वाले नंबर आ जाएंगे। अब देखिए अगर हम फोर का स्क्वायर ले, फोर इंटू फोर ये होता है फोर स्क्वायर, ये हो गया सिक्सटीन। अब नाइन और सिक्सटीन के बीच में और बहुत सारे नंबर है, कौन कौन से नंबर है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो ये जो सारे नंबर है ये क्या कहलाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए ये चैप्टर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ नंबर्स के ना स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम शुरू में आप 1 से लेकर 10 तक का याद कीजिए, फिर उसके बाद 11 से 20 तक का, यानी 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर का स्क्वायर्स आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको शुरू में याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा कि 12 का स्क्वायर क्या है, अब वैसे तो इसका स्क्वायर होता है 144, लेकिन आपको यदि याद नहीं है शुरू में आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 1 2, देन 1 2 2, देन 1 1 1, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 1, 144 आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा हो कि आपको बाय हार्ट कम से कम 0 1 से लेकर 20 तक के नंबर का स्क्वायर जो है याद रहे। तो एक बार मैं, हालांकि आपको बुक में मिल जाएगा आपको, मैं एक बार लेकिन यहाँ नोट डाउन करके आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में भी नोट करके रख लें। देखिए 1 का तो सभी को पता है, 1 1 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, देन 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, देन 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो देखिए ये जो है 1 से लेकर 10 तक ये तो आपको आने ही चाहिए। इसके बाद 11 से 20 तक भी आपको सारे स्क्वायर याद करना है। तो 11 का होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, देन 17 का स्क्वायर होता है 289, फिर 18 का स्क्वायर होता है 324, फिर 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो देखिए इतने जो है ना आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार में याद नहीं होगा, बार बार इसको याद कीजिए, रोज एक बार इसको रिवाइज करिए, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमने स्क्वायर्स लिखे हैं सारे नंबर के, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। जैसे
देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, अब जो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आपको इसका ना लास्ट डिजिट पकड़ना है। देखना, 6 लास्ट डिजिट जो है, यानी वंस प्लेस में 6 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 4 है, 1 है, 0। अब इस तरफ आ जाओ, देखो 1 के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है 1 है, 11 का स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, सेम आ रहा है यहाँ पे। देखो 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो भी 4 है, ये 9 है, यहाँ भी देखो 9 है, ये 6 है, यहाँ 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 4 है, तो यहाँ 4 है, ये 1 है, ये भी 1 है, और यहाँ 0, तो यहाँ, तो ये दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान देने के लिए है, देखिए लास्ट में जो डिजिट आ रहा है 1 4 5, 1 4 5 6 9, ये नंबर आ रहा है और 0 आ रहा है, तो लास्ट की जो डिजिट है यूनिट प्लेस में कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर? ये सारे जो नंबर है ना राइट साइड वाले सब परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कौन से नंबर नहीं आ रहे? देखो 2, किसी के भी नंबर में लास्ट डिजिट 2 नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब निकला? कोई भी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस में यदि 2 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए और कौन सा नंबर इसमें नहीं है, तो आप देखेंगे 3। 3 देखिए, किसी के भी लास्ट डिजिट 3 नहीं है, तो यानी अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा और कौन सा नंबर जो नहीं है लास्ट में, देखिए इसके बाद आता है 7। 7 किसी का भी लास्ट प्लेस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 7 वाला जो नंबर होगा यूनिट प्लेस में वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और कोई नंबर रह गया है, अब देखिए 8, अगर किसी का लास्ट डिजिट 8 आ रहा है तो इसका मतलब है वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन से होंगे? जिसके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो या फिर 0 हो, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको स्क्वायर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसका हमें एप्लीकेशन कैसे करना है, तो हम इसका एप्लीकेशन करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में।